यूपी के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव चांदोक में पहुंचने पर सांसद डॉक्टर भोला सिंह से ग्रामीणों ने गांव में विकास पर सवाल किया तो सांसद जी बिफर पड़े और इसके बाद ग्रामीणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक ग्रामीणों ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने सांसद की जान बचाई। सांसद के विरोध को देख कांग्रेसी प्रत्याशी बंसी पहाड़िया गांव पहुंचे जहां पर गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कुछ नहीं करा, इसके बारे में क्या कहना है? ये जनता को फैसला करना है कि 6 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का 6 बार लगातार बाबू कल्याण सिंह की जेब का, जब जेब का एमपी होगा, जब जब एक जेब से मुख्यमंत्री निकलेगा तो जेब का ख्याल करेगा, जनता का नहीं करेगा। उसका टिकट बाबूजी की कृपा पे तो वो काम करेगा, बाबूजी की कृपा का इंतजार करेगा। कल यहाँ सांसद जी आए थे, उनका खूब विरोध हुआ ग्रामीणों का था। जनता को अपनी भावना प्रकट करने का लोकतंत्र में अधिकार है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान का स्वरूप है। जब जनता राजा बनाती है तो जूतों की माला भी डालती है। उनके खिलाफ नारेबाजी, विकास को लेकर नारेबाजी करिए। हम बात करते हैं इनसे, हमारे साथ ग्रामीण कोई विकास नहीं। आप देख सकते हैं, जाकर आप जाके देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, आपके सामने सब कुछ है। कल की घटना में ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा कायम करा है? हाँ जी, मुकदमा हो जाता अगर ये चुनाव ना होता तो, और सारी चुनावी बिसात है। कभी नहीं जाके, 5 साल में बिल्कुल नहीं जाके, कोई नहीं जाके। आपके गांव का नाम भी नहीं जानते थे? शायद हो सकता ना जानते हो, भूल गए हो, गलती से आ गए हो। आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं, ना आज तक देखा गया उनको यहाँ पे। रात जब आए पब्लिक ने सवाल किया तो भड़क गए। क्या बोले कि हम क्या अपनी जेब से लगाएं? जो हमको ऊपर से मिलेगा हम उसको लगाएंगे। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? पब्लिक यही जानना चाहती है कि आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर विकास के बारे में पूछना इस पार्टी में गुनाह है। अगर हम विकास पूछते हैं कि आपने विकास क्या किया, तो हमें जाहिर सी बात है देशद्रोह ठहरा दिया जाता है। एक जुमला है कि अगर विरोध में बोलेगा वो देशद्रोह है। बीजेपी अगर ये समझती है जुमला बोल के हम दोबारा चुनाव जीत जाएंगे तो नहीं जीत पाएगी। आपने राष्ट्रवाद की चादर उड़ा दी और किसानों से 2,000 रुपया फसल बीमा के नाम से साल में ले लिया आपने। जब फसल बीमा देने की बात आती है तो वो कंपनियां देती नहीं। हमें नहीं है पता कि रिलायंस के खाते में जुमला पार्टी भेज रही है हमारे किसानों के खाते से पैसा काट काट के। तो अब की बार जुमला सरकार बिल्कुल खत्म है। क्या नाम है? जी चंद्रशेखर है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव चांदोक का हूँ। पिछली बार बीजेपी को वोट दी थी इसलिए कि देश तरक्की करेगा। देश ने ऐसी तरक्की करी कि किसान और पीछे चला गया है। आज हमारे नौजवान जितने भी किसानों ने, इन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि आपने विकास क्या किया हमारे गांव में। आप 5 साल तक नहीं आए तो जाहिर सी बात है 18 दिन और ना आते। वोट आपको ही मिलता है या ना मिलता वो एक अलग बात है। इसी पर अपशब्द बोले किसानों से और किसानों को की आवाज़ को दबाने का काम किया है इन्होंने। कल सांसद भोला सिंह जी आए थे गांव में, चांदोक में। क्या मामला हुआ? क्यों मजबूर पड़ता है? कोई और बताए, वो 5 साल से एक ही मेरे नहीं आए सांसद बन गए। कोई गैया मर जाओ, भैंसिया मर जाओ, कछू मर जाओ, किसी की तो समस्या ना सुनी। अब तुम चांदोक में सड़क देख लो, आधी तो सीसी रोड है, आधी गड्ढे हैं, आधे वो हैं। कभी उन्होंने मुड़ के उन्होंने देखी कि अपने गांव तक नहीं आ।